माननीय गृह मंत्री जी ने कानूनी स्थिति स्पष्ट की है, अब मैं भूपेंद्र जी से कहता हूं अपनी बात कंटिन्यू करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ इस पूरे सदन के सामने यह स्पष्ट किया है कि 370 को लेकर पूर्व में जिस प्रकार के संशोधन कांग्रेस के द्वारा उनके समय में लाए गए थे, उन्हीं उपबंधों को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सरकार ने 370 को समाप्त किया है और केवल राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस उसको रोकने का काम कर रही है। महोदय, आखिर हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में से केवल जम्मू कश्मीर ही आतंकवाद से पीड़ित क्यों है? जम्मू कश्मीर की जो आतंकवाद की पीड़ा है, उसको आखिर वहाँ पर कौन झेलता है? उसके आतंकवाद की पीड़ा को वहाँ की महिलाएं झेलती हैं। महोदय, मैं आज माननीय गृह मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के एक लंबे समय से वहाँ की महिलाओं का, वहाँ की बहनों का जो है आतंकवाद की पीड़ा के कारण, जो उन्होंने एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में जो एक दंश झेला है, जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने एक दर्द को सहा है, उनसे मुक्ति का रास्ता 370 को समाप्त करके शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि यह 370 के प्रोविजन को पहले जिस प्रकार से बदला गया है, यह हमारे देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि 20 दिसंबर 1961 को इस देश में टेरिटरी में शामिल करने के लिए गोवा दमन दीव को एक्विजिशन पुर्तगाल से टेरिटरी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। 28 दिसंबर 1962 को पांडेचेरी का इनकॉर्पोरेशन किया गया। इस देश में संविधान में संसद को यह अधिकार है कि वो राज्यों की सीमा का पुनर्निर्धारण का, राज्यों की सीमा के विकास का और उसके संबंध में कानून बना करके लेकर के आए। और निश्चित ही आज जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का कानून माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लाया गया है।